हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। टेंस का टॉपिक चल रहा है, लगभग कंप्लीट होने को है टेंस। और कल मैंने जो टेंस कराया आपको पिछले वीडियो लेक्चर में, यदि आप उसको सुनेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस था, फ्यूचर परफेक्ट आज हम शुरू करेंगे। तो एक सीक्वेंस में आप उसको समझें। कल भी मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो उसके बारे में बताए, तो आप लगातार इसको समझते चलें, सुनते रहें, वीडियोस देखते रहें, और पुराने वीडियोस देखना ना भूलें। यदि आपने देखिए, बहुत बड़ा सिस्टम होता है पढ़ने का, ऐसा मानते हैं, ऐसा एनालिस्ट जो होते हैं, जो बड़े बड़े हमारे स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, उनका कहना ये है कि यदि आप किसी चीज़ को 10 दिन तक रिवाइज नहीं करोगे तो आप उसका 20% भूल जाओगे, और यदि आपने 20 दिन तक नहीं पढ़ा उसको तो आप उसका 40% भूल जाओगे, और लगभग एक महीने यदि आपने वो छोड़ दिया तो आप 80% उस टॉपिक को भूल जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि बार बार उसको आप पढ़ते जरूर रहें, ज़रूर पढ़ें उस चीज़ को, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि बार बार पढ़ने से वो समझ में आती रहती हैं। छोड़ो मत उसको, पिछले जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उस पर आप थोड़ा सा पढ़ने के बाद सोचो कि मैंने क्या बोला अपने मुँह से, कहाँ उसका इम्पैक्ट जा रहा है, क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं मिली आपको, जो आज तक नहीं पढ़ाई किसी ने, वो समझ में नहीं आई आपके, अब जो क्लियर हुई, वो ऐसी कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो हमारे समझ में आ गई। आप देखना ज़रा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ इसके अंदर आएगी, उसको ध्यान से समझना ज़रा। और सिमिलरिटी है इसका, कंपेरिजन मैं करूँगा सीधा पास्ट परफेक्ट से, तो आप ध्यान से इसको समझना। मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ आपका, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इनकेस यदि कोई दिक्कत आएगी, अभी तो मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा पूरा कंप्लीट, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से चीज़ें फाइंड आउट की जाती हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो ये आप ज़रा इसमें देखेंगे, तो इसको इससे पहले हम कम्प्लीट कर लें अपने टॉपिक को, उसके बाद अपन इस बात पर डिस्कस करेंगे। देखना ज़रा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो देखें ज़रा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट आ गया। परफेक्ट का मतलब आप पहले भी मैं बता चुका हूँ, परफेक्ट का मतलब होता है काम की समाप्ति, काम की समाप्ति का मतलब हो गया MB3, ठीक है। तो MB3 तो लगनी है, अब तो बहुत आसान हो गया आपके लिए समझना सब चीज़ें, कि जहाँ जहाँ परफेक्ट नज़र आए आप समझ लेना काम की समाप्ति वहाँ पर पाई जाएगी। तो इस चीज़ में, इस चीज़ को समझते हुए आप पूरा अपना एक माइंड सेटअप कर लें, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, एक ही बार में आपकी समझ में भी आ जाएगी। डेफिनेशन क्या कहती है कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस को, ठीक है, यहाँ पर देखें एक्शंस, एक्शंस का मतलब क्या होता है, कार्यों को, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऐसे कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जिसमें यह बोध होता है, यानी होने वाले कार्यों में यह बोध होता है कि एक्शन भविष्य में निर्धारित समय तक पूरा हो चुकेगा। समझे अगली बार, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर एक बार वो करें कि जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि एक्शन भविष्य में यानी कि फ्यूचर में निर्धारित समय तक, देखें जरा इसको और ज्यादा हाईलाइट करें, निर्धारित समय तक पूरा हो चुकेगा, ठीक है। ये इसकी एक डेफिनेशन है, यानी कि भविष्य में कोई काम किसी समय पर पूरा होगा, ठीक है। आपको सिंपल किसमें जाना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चले जाना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, यहां पर देखें जरा, उसका भाई अगले महीने तक कार्य समाप्त कर चुकेगा, इसका मतलब क्या हुआ, अगला महीना किस में चला गया, निर्धारित समय में चला गया, ठीक है। वह सोमवार से पहले, निर्धारित समय सोमवार से पहले अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होगा, ठीक है। अगले साल इस समय तक, क्या हो गया, निर्धारित समय, मैं यह फिल्म देख चुका होऊंगा, ठीक है, या देखता रहूंगा, यानी कहने का मतलब उस समय, इस समय और फ्यूचर में कोई भी काम का कंपैरिजन बराबर किया जा रहा है, तो वो कंपैरिजन किस तरीके से किया जा रहा है वो समझने की बात है, उसके बाद आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इसमें यूज करनी पड़ती हैं, जैसे बाई मंडे, बाई ट्यूसडे, ये सब क्या है, ये आपको इसके अंदर मेंशन करनी है, तो किसके लिए, निर्धारित समय को व्यक्त करने के लिए, इनको आप ज़रूर यूज करें, ये टाइम एडवर्ब्स होते हैं, इनको आप यूज करें, टाइम बताते हैं, टाइम निर्धारित है या नहीं है उसको ये शो करते हैं। अब ये एक सिंपल पैटर्न आ इसका, बहुत सिंपल है, इसको हम ट्रांसलेट करें, तो ट्रांसलेट करने के लिए हम एक पैटर्न भी फॉलो करें, तो वो पैटर्न बड़ा सिंपल है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है,
कि सब्जेक्ट आई और बी यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेल हैव लग, सेल हैव लग जाएगा, ही सी इट यू दे विल हैव लग जाएगा, एम बी थ्री हो गया, एम बी थ्री क्या बताती है, काम की समाप्ति, ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस टाइम एडवर्ब्स आ जाएंगे, टाइम एडवर्ब्स कौन से हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। अच्छा एक खास बात और है, ऐसा कभी रटना मत इसमें कि टाइम एडवर्ब्स को लास्ट में ही लगाएं, कभी कभार इसमें कुछ टाइम एडवर्ब्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग पहले भी आपको मिल सकते हैं, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें अपने मन में कि सर ने बताया था लास्ट में आएंगे, मैं कह रहा हूँ पहले भी आ जाते हैं, ठीक है ना। इसमें इसी टेंस के लिए स्पेशली इसी टेंस में पहले भी आ जाए और लास्ट में भी आ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आती हमें। इसको मैं ट्रांसलेट करूँ तो ट्रांसलेट करना आसान है आपके लिए, उसका भाई अगले महीने तक कार्य समाप्त कर चुका होगा, ठीक है। ये देखिए, उसका भाई, हिज ब्रदर, सिंगुलर है, क्या लगा दूं, बिल, क्या लगा दूं, हैव, समाप्त करने के लिए क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, ठीक है। हिज ब्रदर बिल हैव फिनिश्ड, क्या कर चुका, क्या करेगा, फिनिश्ड द वर्क, कब तक करेगा, अगले महीने तक, अगले महीने तक, बाई लगाना है, ठीक है। आगे क्या लगाऊं, आप देख रहे हैं बाई मंडे, बाई जनवरी, बिफोर मंडे, तो क्या हो जाएगा, अगले महीने तक, बाई द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो क्या हो गया, हिज ब्रदर विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। यहां पर आ जाइए, ही विल हैव, आगे देखें, कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, कब तक पूरा कर चुका होगा, कब तक, सोमवार से पहले, बिफोर मंडे, ठीक है। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट बिफोर मंडे, आगे देखें, अगले साल इस समय तक मैं ये फिल्म देख चुका हूंगा, ये देख रहा हूंगा, अगले साल इस समय तक, अगले साल इस समय तक, क्या यूज करें, कैसे लगो, कौन सा पहले आएगा, अगले साल इस समय तक, बाई बाई नेक्स्ट ईयर, एट दिस टाइम आई सेल हैव ले लीजिए, क्लियर, बाई नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक इस समय, अगले साल इस समय तक, बाई नेक्स्ट ईयर एट दिस टाइम आई सेल हैव वॉच दिस मूवी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पूरा दो टाइम हो गए, पूरा निर्धारित समय, और आपका यहां पर होता है ये सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। अब आप देखें जरा अगला जो इसका पार्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट किस तरीके से, उसको आप जरा नोट करना ध्यान से, कि दो कार्य फ्यूचर में हों जिनमें एक कार्य पहले समाप्त हो और दूसरा बाद में, तो पहले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं तथा दूसरे के लिए, मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया है, का प्रयोग करते हैं। आप देखें जरा कौन सा टेंस आना चाहिए इस जगह, थोड़ा सा आप आइडिया लगा लीजिए कि यहाँ पर कौन सा टेंस आना चाहिए। तो देखें जरा, दूसरे के लिए, अब मैं पहले भी इसको रिपीट कर चुका हूँ, आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि इसके लिए कौन से टेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो देखें जरा ध्यान से, बारिश पड़ने से पहले फसल सूख चुकी होगी, मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटी बज चुकी होगी या बच चुकेगी, ठीक है। तो आपको किस तरीके से बनाना है देखें जरा, फिर मैं इसको फिलअप करूंगा, पहले यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो कार्य पहले होता है, देखिए जो कार्य पहले समाप्त हो और दूसरा बाद में, तो पहले के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो पहला कार्य पूरा कौन सा हुआ है, फसल सूख चुकी होगी, बाद में कौन सी क्या होगा, बारिश पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, द क्रॉप विल हैव ड्राइड अप बिफोर, दूसरा काम बारिश पड़ना, बिफोर इट, कौन सा टेंस लगाते हैं,
आइडिया लग गया, देख देखिए, प्रेजेंट, इंडेफिनेट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट किसको शो कर देता है, फ्यूचर को, तो क्या हो जाएगा, द क्रॉप विल हैव ड्राइड अप बिफोर इट रेन्स, हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट, इट रेन्स, ठीक है। आगे देखें जरा, इसको नोट करें, द बेल विल हैव रंग बिफोर आई रीच टू द स्कूल, हो गया क्लियर, द बेल विल हैव रंग, घंटी बज चुकी होगी बिफोर आई रीच टू द स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, तो स्कूल आपका पहुंचे बाद में, पहला काम क्या हो गया, घंटी बज गई। तो ये सब क्या है, एक पैटर्न होता है जो आपको फॉलो करना है। इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो तुरंत इसमें फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज कर देते हैं और सेंटेंस हो जाता है गलत, जबकि मैंने बराबर बता रहा हूँ कि जब दो सेंटेंस फ्यूचर में आए तो एक में आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग करना ही है, और कई जगह ये आ चुका है, कंडीशनल कंडीशन में आया था, फर्स्ट कंडीशन में बार बार रिपीट किया है मैंने कि यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो मैंने पहले में क्या लगाया, इफ़ यू वर्क हार्ड, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट लगाया मैंने। तो बस कहने का मतलब क्या है, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा समझें, ध्यान दें इन पर, जिससे कि आगे चल के किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हुई, इस डेफिनेशन को आप ढंग से याद रखना और इसको जरूर अंडरलाइन अपनी कॉपी में भी कर लेना, जहाँ भी आप नोटबुक में नोट कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, उसमें इसको ध्यान से लिखें कि वास्तव में ये क्या लाइन हमें क्या बताना चाह रही है, तो इसको इस तरीके से आप पूरा नोट कर लें, और इस चीज़ को सबसे ज़्यादा इसको अपने उसमें रखें नोटिस में कि इसमें कौन सा टेंस आएगा। देखिए ज़रा मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, और ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, यहां पर देखें रीच, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। ये आपका एक और इंपॉर्टेंट जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, वो कंप्लीट है। इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, इतना ही समझना है, और बार बार सभी वीडियोस को पुराने जो हैं उनको देखते चलना है, देखते रहोगे चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, पुराने कंसेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पहले के जो मैंने बेसिक्स बताई हैं उनको आपके आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है, ठीक है। अपना काम करते रहें, अच्छी तरह याद करते रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, थैंक यू।